मैनपुरी उपचुनाव को जीतने में सैफई कुनबा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो अपने हर हथकंडे अपना रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी विरोधी सियासी दल भी समाजवादी पार्टी के लिए अपना समर्थन पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें जेडीयू भी शामिल है। दरअसल मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में एक समर्थन पत्र जारी किया गया है, जिसको लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह मैनपुरी पहुंच गए। मैनपुरी में धनंजय सिंह की उपस्थिति के साथ ही पूर्वांचल का सियासी समीकरण भी बदल सकता है। बता दें कि बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह सपा के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से सपा प्रत्याशी का समर्थन और डिंपल के प्रचार की जिम्मेदारी धनंजय सिंह को दी गई है, जिसको लेकर धनंजय सिंह सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें ठाकुर बहुल इलाके में उतारेगी। ऐसी स्थिति में पूर्वांचल का सियासी समीकरण भी बदल सकता है, जबकि इससे पहले धनंजय सिंह पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, वह बसपा से सांसद चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर भी रहे, और अब वही बाहुबली धनंजय सिंह मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि धनंजय सिंह के मैनपुरी में वोट मांगने से चुनाव पर कितना असर पड़ता है।